राजधानी भोपाल के हर थाने में अब साइबर एक्सपर्ट होंगे। बढ़ते साइबर क्राइम के कारण प्रथम चरण में हर थाने में 5 पुलिस कर्मियों को साइबर ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे साइबर अपराधियों तक पहुंचने में देरी ना हो और लोगों की समस्याओं का तत्काल निदान हो सके। राजधानी में रोजाना आधा दर्जन लोगों के साथ साइबर ठगी हो रही है, लिहाजा पुलिस भी इसे चुनौती मान रही है। थानों में विवेचना करने वाले पुलिस कर्मियों में साइबर ज्ञान का अभाव होने से जांच में समय लग रहा है और इस कारण से कई प्रकरण 1 से 2 साल बाद जांच पूरी होने पर दर्ज हो रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए हर थाने में पदस्थ 5 पुलिस कर्मियों को साइबर की ट्रेनिंग देने की कवायद शुरू की है और थानों में पदस्थ ऐसे पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है जिन्हें कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान है और जो साइबर में रुचि रखते हैं। दीपक रोहानी जो है उनके सुपारी का धंधा है, जिनके तरफ काम करने वाले व्यक्ति को बैंक में पैसा जमा करने के लिए 1,05,000 रूपए भेजे गए थे। उसके द्वारा उसको खुद खुद करके और उसमें अन्य घटना का प्रारूप बनाकर के पुलिस के सामने प्रस्तुत किया गया। पुलिस के बाद तत्काल मीटिंग में रवाना करके बस का जायजा लिया गया, कुछ एविडेंस भी तलाशी गई, कुछ कैमरों को भी सर्च में लिया गया तो पता लगा कि इसके द्वारा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर के एक साजिश रच करके और उस पैसे को खुद खुद करने की कोशिश की गई है, जिसमें से मूल आरोपी जो उनके घर पर काम कर रहा था उसको उसकी गर्लफ्रेंड को दोनों गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनको न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है।